नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एल&टी फाइनेंस का ईएमआई ऑनलाइन कैसे भरे। अगर हमने एल&टी फाइनेंस से कोई भी पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार का अगर लोन एल&टी फाइनेंस से लिया है और उसका ईएमआई हमारा पेड नहीं हुआ है, वो ड्यू में है, कोई ईएमआई हमारा बाउंस है, तो उसको हमें बाद में अगर भरना पड़ेगा तो वो कैसे भरेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे जानेंगे कि पेटीएम एप्लीकेशन के द्वारा, पेटीएम एप्लीकेशन से हम हमारा जो एल&टी फाइनेंस का जो भी लोन हो, किसी भी प्रकार का कैसा भी लोन हो, तो उसका ईएमआई हम बाद में पेटीएम से कैसे भरते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। एल&टी फाइनेंस का ईएमआई भरने के लिए हमें पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल सर्विस पे हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिचार्ज एंड पेमेंट बिल। तो यहाँ पे रिचार्ज एंड पेमेंट बिल्स पे हमें क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ पे पे लोन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर हमारा जो भी एल&टी का हमने होम लोन लिया है या टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन जो भी लिया है, तो हमें उसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एल&टी हाउसिंग फाइनेंस और जो हमारा रेगुलर जो लोन होते हैं, जैसे कि हमारे टू व्हीलर लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हमें हमारा जो भी लोन यहाँ से ईएमआई भरना है तो इसे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे एल&टी हाउसिंग जो फाइनेंस है वो हमें यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है। हमारा अगर टू व्हीलर फोर व्हीलर का अगर लोन हो तो हमें जो ऊपर का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर हमें एल&टी फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पे दिखाई जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लोन नंबर, जो हमारा लोन नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें डाल देना है, भर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो लोन नंबर है यहाँ पे डाल देता हूँ। ध्यान रखना है जो एल&टी फाइनेंस का जो अकाउंट नंबर होता है, जो लोन नंबर होता है, वो 17 नंबर का होता है और उससे आगे टी हमें यूज़ करना है। तो पहले हमें आपका जो भी नंबर हो आपको वहाँ पे टी यूज़ करना है। किसका 6 डिजिट का भी हो सकता है, किसी का 7 डिजिट का भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे टी मिला के टोटल 18 डिजिट का है लोन नंबर। तो हमें यहाँ पे पहले टी टाइप करना है और उसके बाद जो हमारा 17 नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो नंबर है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी लोन नंबर है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नीचे मैं मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मोबाइल नंबर है, जो लिंक है वो यहाँ पे डाल देना है। मैंने मेरा फ़ोन नंबर और जो एल&टी फाइनेंस का लोन नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे हम सीधे गेट अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गेट पेमेंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो लोन डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, आपका लोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपने जिस भी नाम से आपका लोन है वो नाम यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। आपका जो भी लोन चल रहा है, जिसके भी नाम से चल रहा है, आपको वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसका फिर से नंबर भी दिखाया जा रहा है। फिर उसके जो ईएमआई है, जो अपना ईएमआई है, यहाँ पे आपको जो आपका रनिंग में ईएमआई चालू है, आपका जो ईएमआई ड्यू है, जो आपने नहीं भरा, वो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे अमाउंट डाल देना। तो चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको दिखाने के लिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सीधे कोई भी अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 100 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद सीधे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जिस तरह से पेमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे पेमेंट हमें करना है, तो हम यहाँ पे हमारा UPI, डेबिट कार्ड, भीम UPI, नेट बैंकिंग, हम यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं UPI से कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो UPI पिन है, जो UPI ID है, आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो एकदम सीधा है और एकदम आसान तरीके से हम यहाँ से पेटीएम से हमारा जो एल&टी फाइनेंस का जो ईएमआई ड्यू है, तो इस तरह से हमारा जो एल&टी फाइनेंस का जो ईएमआई ड्यू है, अगर किसी ने नहीं भरा है, तो इस तरह से हम हमारा जो भी ईएमआई है
वो यहाँ से पेटीएम से हम एकदम आसानी से पे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।